इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है, हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं, थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। जो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ ना हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं ये हम मान के चले, इतना बड़ा देश दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा, आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा ना हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था, ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। साथियों, आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था, तो आपको पूरा चार्ट बताया कैसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंताजनक है ही है, इसलिए हम सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि एक क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, दो क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, हम सब ने अनुभव किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए। जो घरों में आइसोलेटेड मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी। आप भी जानते हैं कि अगर वहां थोड़ी भी ढिलाई रही तो मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते हैं। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। गांव के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहे, ये हमें देखना होगा। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट को 1% से भी नीचे लाए, और वो भी मैंने जैसे कहा छोटे छोटे इलाके में देखा जाए, एक मृत्यु हुई क्यों हुई, जितना इतना फोकस करेंगे तब स्थिति को संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जागरूकता अभियानों में कोई कमी ना आए। कोरोना से बचाव के लिए जो जरूरी